हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओके क्रेडिट में। मैं तमन्ना आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया बिजनेस आइडिया, और ये बिजनेस आइडिया ऐसा है कि जिसमें पैसा नहीं लगेगा, आपको ऑफिस नहीं जाना है, आपको एक नया सेटअप नहीं खोलना है, बाहर जाके आप घर बैठे कमा सकते हैं दुगना चुगना, करोड़ों में शायद। तो कौन सा ऐसा बिजनेस है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए, और कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और कौन से ऐसे वीडियोस हैं, कौन से ऐसे आइडियाज हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो बिना देर किए आपको बताते हैं कि हम कौन से ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जिसे आप घर बैठे शुरू कर सकते हैं। ब्लॉग से करें कमाई। यदि आपको लिखने का शौक है और आप अपनी राइटिंग स्किल से कमाना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग एक बेहतरीन ऑप्शन है, जिसमें आप ब्लॉगिंग डिजिटल युग में ब्लॉगिंग के जरिए भी पैसे कमा सकते हैं। अगर आप बड़े स्तर पर ब्लॉगिंग शुरू करते हैं तो खुद की वेबसाइट भी बनवा सकते हैं। YouTube चैनल बनाकर करें कमाई। YouTube चैनल से आज बड़े क्या बच्चे तक करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। ऐसे में यदि आपके पास लिखने, बोलने और पढ़ने की अच्छी कला है तो आप अपने वीडियो बनाकर YouTube के माध्यम से कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कैटेगरी चुननी होगी जिससे जुड़े आप वीडियो बना सकें। याद रखें, YouTube पर वीडियो बनाकर अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं, बशर्ते आप क्रिएटिव हों। भारत में हजारों ऐसे चैनल हैं जो घर बैठे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेकर करें मोटी कमाई। अगर आप अच्छे स्कॉलर हैं तो ऑनलाइन कोर्स शुरू कर सकते हैं। बैंक, SSC से लेकर सिविल सर्विसेज की तैयारी ऑनलाइन हो रही है। कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन कोर्स के जरिए कई करोड़ का टर्नओवर बना रहे हैं। इसे शुरू करने में भी खास लागत नहीं लगती। इतना ही नहीं, आप सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी ऑनलाइन कोर्स नहीं करवा सकते, आप कई तरह की एक्टिविटी से जुड़े कोर्स भी करवा सकते हैं। घोस्ट राइटिंग। अगर आप में लिखने या ट्रांसलेशन की क्षमता है तो आप घोस्ट राइटिंग कर सकते हैं। ये ऐसे राइटर हैं जिन्हें कुछ लिखने के लिए काम दिया जाता है लेकिन उन्हें काम करने का नाम नहीं मिलता। ये फ्रीलांस राइटिंग के जैसा है, इसमें भी पैसे मिलते हैं। आप फ्रीलांस के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि आप पार्ट टाइम की तरह काम कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट बनाकर करें कमाई। एडवर्टाइजिंग कैंपेन डेवलपर ये पूरी तरह से ऑनलाइन बिजनेस है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी और फिर एक वेबसाइट बनाकर अपना काम शुरू किया जा सकता है। गूगल करने पर आपको कई ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जो इसे सिखाने का कोर्स कराती हैं। ये कोर्स 21 दिन से लेकर 3 महीने तक के होते हैं। इसके बाद आप डिजिटल प्रमोशन से जुड़ सकते हैं। जानिए आप नया बिजनेस शुरू करने के लिए कैसे लोन ले सकते हैं। पीएम स्वनिधि स्कीम के तर्ज पर ले सकते हैं लोन। अगर आपको लोन चाहिए तो मोदी सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित वेंडर्स को राहत देने के लिए 1 जून से पीएम स्वनिधि योजना लागू की थी। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी और दूसरा कारोबार करने वालों को 10,000 रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है। रेहड़ी पटरी वाले लोन की रकम को वो 1 साल में मासिक किश्त के रूप में लौटा सकते हैं। लोन की किश्तों को समय से चुकाने या समय से पहले चुकाने पर लाभार्थी को 7% सालाना ब्याज में सब्सिडी भी दी जाएगी। इस ब्याज सब्सिडी को उनके खाते में छमाही आधार पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा करा दिया जाएगा। आप अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए मुद्रा लोन भी ले सकते हैं। तो देखा आपने कि कैसे आप एक यूट्यूबर बनके या फिर एक ऑनलाइन क्लासेस शुरू करके, कोई भी क्लासेस, वो प्रोफेशनल कोर्स की क्लास हो सकती है, वो एक्टिविटी की कोई क्लास हो सकती है, योगा, तो आप इस तरह की क्लास शुरू करके आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें मैं तो बोलूँगी कि पैसा तो उतना नहीं लगेगा जितना दिमाग और क्रिएटिविटी लगेगी। आप कैसे ऑडियंस को बना के रखना चाहते हैं ये सबसे बड़ी बात है, और एक बार आपका ये काम चल गया तो आपको ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप इसमें से क्या बनने वाले हैं, यूट्यूबर बनने वाले हैं या फिर कुछ क्लासेस शुरू करने वाले हैं। लेकिन जो भी करने वाले हैं पूरी लगन के साथ कीजिएगा और थोड़ा पेशेंस रखिएगा। बाय बाय। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।